जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सारी चीज क्लियर है, बट क्या होता है स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाते रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग में खराब नहीं हो रही, लाइन में ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया कि कुछ छूटा तो नहीं है। सब कुछ कवर करना है पहले, उसके बाद एग्जाम से 3-4 महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 3-4 महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर पूछता हूँ सर सवाल कितने लगाते हो आप, देखते हैं सर 5 लग जाते हैं 10 लग जाते हैं। मैंने कहा 5-10 से क्या हो रहा, कम से कम 100 क्वेश्चन आपके डेली पढ़ने होने चाहिए, और आप 3 महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा। टेबल मतलब क्या, जैसे पहाड़ी 2 2 4 4 4 16, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे को आते हैं बताओ कौन सा टेबल कहाँ तक के, 10 तक के मेरे को आते हैं टेबल, 10 10 100, 20 20 400, बताओ कहाँ के कौन सा टेबल, व्हाट टेबल डू यू वांट, 200, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बताइए सर जवाब। एक्चुअली कोरोना में जो ऑडियंस आई है ना, उसकी सर कैलकुलेशन इतनी वीक है, एक तो पेशेंस नहीं है सर। कोरोना में एक नुकसान हुआ है, लोगों का पेशेंस बड़ा लूज हो गया, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। कैलकुलेशन आजकल की पीढ़ी की जो आ रहा है वो इंग्लिश में तेज है, वो टेक्निकल कामों में तेज है, सोशल मीडिया चलाने में तेज है, लेकिन उनकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत खराब है। टेबल्स तो आपको 30 तक याद करने होंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि टेबल्स हमेशा हिंदी में याद करो, अंग्रेजी में जैसे सर ने बोला ना 2 1 2, गलत बात, 2 1 2 नहीं सर, 2 1 2 2 1 2। आप किसी को भी ले आओ दुनिया में, वो मुझसे ज्यादा तेज हिंदी में जैसे मैं पहाड़ याद करता हूँ वो इंग्लिश में बोल ही नहीं सकता कोई भी दुनिया में। और जैसे मेरे बच्चों के पिताजी के पत्नी की दुकान थी, तो लोग फोन लेना चाहता था, मैं जल्दी जल्दी जोड़ता था, तो उससे मेरी कैलकुलेशन मजबूत हो गई। कैसे कि बचपन की प्रैक्टिस है, बचपन से मेरे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में स्पॉट में आता जा रहा है। तो 4 चीजें आपको करनी है, एक तो कैलकुलेशन वहां करनी है जहां जरूरत है, आधी जगह में जरूरत नहीं होती कैलकुलेशन करने की, ऑप्शन सवाल हो जाता है डेसिमल से या यूनिट से, डिजिटल टर्म्स और बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरा कि डेसिमल का डर आपको दिमाग से हटा रहा है, कोई श्रम वाली बात नहीं है, आप किसी छोटे बच्चे की किताब लो, दशमलव का दर उससे हटाओ, उससे प्रैक्टिस करो। दूसरा कि पहाड़े तो आपको 30 तक याद करने होंगे, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और हिंदी में याद करना, और कैलकुलेशन वहीं करने जहां जरूरत हो। कैलकुलेशन को हमेशा ब्रेक करके करो, जैसे कि मैं आपसे कहूं 98 × 7 क्या होता है, तो 98 की 7 में कभी गुणा मत करो, 98 को 100 - 2 लिखते हैं, 7 के पहले 100 में गुणा करो, 700 पर 14 घटा 686, इस हिसाब से।